तो सामने से एक ट्रक आ रहा है और ये लगता है फंस गया है यहाँ पे। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, जूते बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सा बादल फट गया अभी इधर, कौन सा ग्लेशियर एक्टिव हो गया भाई। दिस सेक्शन इज रियली डेंजरस। देखते टाटा पंच की परफॉर्मेंस। तो कोई माई का लाल है जो जा सकता है यहाँ से। इंजन ऑयल की रहा है इधर कार से। ये ना बच गई शायद यहाँ पे। कितना फुट होगा, कोई 20 फुट होगा। जा क्या हो एक बार देख के रहा हो, अच्छा लगेगा आपको। अरे भैया रुकना बनता है, ऐसे वाली भाई, ऐसे वाली बनाना। थैंक यू भाई फोटो के लिए। तो बिस्किट ले लो, ठीक है सर। उस साइड से ना आते हुए पोल्यूशन सा लगा, धुआं ही धुआं था उस साइड से आते। सो मच क्राउड यार, कोई 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। तो गाइस 1:54 हुए हैं और मैंने अभी ध्यान दिया है जो फ्यूल बार है 1 बार कम हो चुकी है। अब निकल रहे हैं मनाली की ओर। तो डिस्टेंसेस देख लीजिए, यहाँ से कुंजुम पास ऊंचाई है 4590 मीटर, काजा यहाँ से है 78 किलोमीटर, लोसर है 19 किलोमीटर। ओके हमें इधर नहीं जाना है, हमें जाना है दिस वे। और क्या ही खतरनाक पहाड़ लग रहे हैं पार्क भाई। यहाँ का ट्रैक करे कभी। तो कुंजुम पास से उतरते हुए बहुत सारे हेयर पिन मोड़ आते हैं। तो फर्स्ट टाइम स्नो मिल रही है मुझे इस ट्रिप पे, बढ़िया। देखें वाह क्या चमक रही है, क्या शाइन मार रही है। ओह ठंडी ठंडी ठंडी। तो इस सेक्शन पे बर्फ मिली मुझे, यही होगा शायद फर्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद नहीं मिलेगी बस बर्फ। तो सामने से एक ट्रक आ रहा है और ये लगता है फंस गया है यहाँ पे। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, बहुत गंदा भी है और चढ़ाई भी लगी। अब ये पूरी कोशिश करेंगे चढ़ाने की। चढ़ो चढ़ो, चढ़ गए 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 चढ़ गए। हाँ तो बढ़िया, ये है ट्रक वालों का स्ट्रगल और इनके पेशेंस का यार। सच्ची देखो ना ख़राब है बहुत एकदम से, यहाँ पे ना इन्होंने चढ़ाई डाल दी है। फाइनली बादल पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि लंच करें ना करें और या आगे जाए। अगला डेस्टिनेशन जहाँ पे मिल सकता है लंच वो होगा छत्रू। चाचा चाची के पास ओवर क्राउडेड होगा, उनके पास सिर्फ दाल चावल मिलेगा और साथ में कांगड़ी ढाबा है जो हमने लास्ट ईयर खाया था। जहाँ पे वहाँ पे रोटी बनाते तो नहीं है वैसे, पर हमारे लिए बनाई थी। यहाँ पे कुछ टूरिस्टों की बस स्पेशली बस पैक की है। तो यहाँ भी लग रहा है ठीक ठाक रश है। ओके वन शॉलिडेज, अच्छा ट्रिप पे निकले हैं ये। हाँ ये चंद्रताल जा रहे होंगे। A few moments later. 3 बजे हैं और 3:08, तो बादल भी अभी जमे हुए हैं। अब यहाँ से निकला जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे कैंप की फैसिलिटी है और यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग, तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग होने वाली है अब। ओ भाई छोटा धड़ा बड़ा धड़ा तो आया नहीं अभी, लेकिन उसकी कसर पूरी करने के लिए कुछ और आ चुके हैं। देखते हैं अब। ओ भाई भाई साहब हैंडल पूरा हिल रहा है, जूते बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो आ रहा है पानी का, पानी पानी पानी। जूते भीगे बट शायद अंदर तो ना पहुँचे भी। अब ये कौन सा सेक्शन बन गया अब उसकी कमी पूरा करने के लिए, छोटा धड़ा बड़ा धड़ा। अच्छा जी पूरा मज़े ले लो वहाँ के ऑफ रोडिंग के और
वाटर क्रॉसिंग के मुझे क्रॉस करना पड़ेगा वाटर को। ये वाली ली थोड़ी ठीक लग रही है, देखो कैसे कितनी दूर तक पानी भरा पड़ा है। ये कौन सा बादल फट गया अभी, इधर कौन सा ग्लेशियर एक्टिव हो गया भाई। दिस इज़ फन यार, दिस इज़ फन। जब तक गिरे नहीं ना तब तक फन है, जब गिर गए तब भाई गिर गए, तब वो एक्सीडेंट कहलाता है। यार बता दूँ, अगर लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी हुई ना तो यहाँ पे रिस्क है उसका, क्योंकि गड्ढे इतने गहरे पड़ चुके हैं कि उसका बचना काफ़ी पॉसिबल है। हेलो हेलो, देखो यहाँ पे शायद खच्चर है और इसका बच्चा बेबी दूध पी रहा है, और कैसे बड़े बड़े पात्रों के बीच में चल के जाएंगे। ये है पशु संपदा। हाँ जी, कहाँ जाएंगे आप लोग? खतरनाक धूल, अरे अब अगर हम देखें एक लुक, हम आए हैं उस साइड से और यहाँ पे ना एक पीछे को डीप खाई सी लग रही है, और ऐसा लग रहा कोई वैली है वहाँ पे, और वहाँ पे ना ग्लेशियर के जो टेम्प्ररी पानी निकल कर जो पाथ बनता है वो भी दिख रहा है। तो कब ये एग्जिस्ट करता होगा नदी, गूगल पे देखना पड़ेगा कि एक कौन सी वैली है, कहाँ निकलती है। हाँ, दिस सेक्शन इज़ रियली डेंजरस। हाँ, पूरे सस्पेंशन की टेस्टिंग, बाइक की टेस्ट। उफ, सैडलिंग कर करके थक गया, क्योंकि दिस इज नॉट एन इजी रूट मैन। देखते टाटा पंच की परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियरेंस ओके है, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। थैंक यू। तो अभी तक एग्जिस्ट करता है ये पुल, ये देखो। अगर आपको यहाँ से जाना होता ना नीचे से, तो कोई माई का लाल है जो जा सकता है यहाँ से। उफ, दिस इज छोटा धड़ा जो कुख्यात विख्यात सब कुछ है, और पानी ना बहुत ज़्यादा नैरो है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो लग रहा है रिवर में। बट यहाँ दिस इज समथिंग। सी हाउ टाटा पंच कम्स, ऑलमोस्ट छू गई, आगे का जो फेंडर है इसका ऑलमोस्ट जमीन छुआ। सही है, सही निकाली, अच्छी बंदे ने अच्छे से। Bike is on there, bhai. So finally, बड़ा धड़ा आ चुका है और देखते हैं यहाँ पर कितना पानी होगा। रास्ते पर है, इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, अब पानी को थोड़ा फैला दिया गया है, कुछ तो है अभी भी अंडर जा रहा जो। तो ये है बड़ा धड़ा, वो काफ़ी लंबा है, यहाँ से ले जा सकते हैं बाइक। चलो जी, सही जगह से शायद मैंने निकाला है, पर रेत में ना धसे इधर नीचे से ना अब गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलिए बाइक निकालते हैं। जो बता दी, ओ, 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 थोड़ा सा है, थोड़ा सा था पर नॉट दैट मच। तो एक्चुअली में ना ये वहाँ पे ज़्यादा होता था, अब इनको यहाँ से करके यहाँ देखो मैंने एक छोटा सा पुल बना दिया है, जिससे कि ये ईजी हो गया है। ये देखो यहाँ से अगर आप देख पाए, यस, ये देखो जो रोड से आ रहा है वो भी यहाँ पे जाके इसके थ्रू जा रहा है। चलो ईजी हो गया राइड ऑफ। तो एक जगह पे फंसी अपनी गड्डी, क्योंकि यहाँ पे है सबसे ख़राब पैच, ऐसा लग रहा है मुझे। उफ़, अरे 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 भाई, अगर डिसबैलेंस होके थोड़ा सा भी हुआ ना बाहर, तो सीधा नीचे नदी में, और ऊपर से जहाँ से थोड़ा सा सेफ समझ सकते हैं
वहाँ पे गड्ढे इतने बड़े बड़े बन गए हैं कि निकालना मुश्किल है बाइक वहाँ से। आपकी स्किल का टेस्ट होता है यहाँ पर टेस्ट। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें फाइनली पहुँच चुका हूँ छतरू। यहाँ पे टी ब्रेक लेंगे, बिस्किट खाएंगे और फिर से तीर हो जाएंगे। क्या है कि 5 बज गए और अभी अरे इंजन ऑयल की रहा है इधर कार से। ये ना बज गई शायद यहाँ पे ऑफ रोडिंग ख़राब रास्ते पे। इसके हो ये पैंट हमारा तो नहीं टूटा फूटा भाई कुछ। बिस्किट मैंने कहाँ रखे थे इसमें रखे थे। हाँ ये A few moments later. तो फटाफट चाय पीने के बाद I'm ready to go now. Okay. चलिए मनाली इज 83 तो 83 किलोमीटर जाना है अभी। आज भी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला, अंधेरा हो ही जाएगा। मैं ये वाला पैच कर लूँ ग्रामपुर तक उजाले में, उसका तो हाईवे है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए फिर तो। ओके हियर वी स्टार्टेड अगेन आफ्टर अ टी ब्रेक। तो यहाँ पे एक पपड़ी पड़ी है ग्लेशियर की, मैं देखने जा रहा हूँ। ओके ओ भाई पानी, हाँ ग्लेशियर। मैं शायद कभी नहीं चला ग्लेशियर पे। ये बर्फ ना पिघल रही हो भाई, पूरी बर्फ है वहाँ तक। देखो देखिए मजा आ गया। वो तो वाटरफॉल पे वाटरफॉल दिख रहा है, कितना ऊंचा है ना। आ रहा है आ रहा है, रोता नहीं कहाँ जा रहा है। इसी में से पिघल रहा है पानी, ये देखो कितना पानी आ रहा है, सारा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। तो देखिए ये वाला पहाड़ कितना ही बड़ा है और ऊपर से वाटरफॉल एक के बाद एक नीचे आ ही जा रहा है। एक आगे सामने वाला वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पानी का फ्लो ज़्यादा है ना, और संकरे रास्ते से निकल के प्रेशराइज होके बाहर को फेंक रहा है वो। तो फाइनली आ गया पागल नाला। वो देखो कितना ही पानी आ रहा है इसमें, कितने ज़बरदस्त तरीके से। अब सोचो आपकी इतना ज़्यादा पानी सड़क पे होता और आपको क्रॉस करना पड़ता तो हालत क्या हो जाती। बेहतरीन वाटरफॉल भाई, मज़ा है। यहाँ तक आ रहा पानी का ना वो शावर, बहुत ज़्यादा पानी है, खतरनाक। थैंक गॉड कि इसको क्रॉस नहीं करना पड़ रहा। ओरी मोरी मैया, ग्लेशियर पूरा स्नो स्नो जमा, कितनी ऊंची दीवार है भाई। व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस। कितना फुट होगा, कोई 20 फुट होगा, 20-25 फुट, इतना ऊंचा बर्फ कैसे इधर, हाउ इज दिस पॉसिबल भाई। आर्टिफिशियल लग रहा है मेरे को, किसने ला के रखी है बर्फ यहाँ पे। बर्फ भी है चूंकि देखो। बाकी 6:15 हो रहे हैं और मनाली अभी भी दूर है, फिर से दौड़ाते हैं घोड़े को। तो यहाँ पे तो वाटर क्रॉसिंग आ ही गई है, ये देखो अंदर से बिल्कुल खोखला होके पानी आ रहा है, गंगोत्री वाला सीन है ना। वाह क्रॉस करते हैं, बहुत अच्छा है। नीचे में ना सीमेंटेड है और वो देखो भाई फ्लोर, उसे कहते हैं फ्लो, बहुत ही प्यारा। ये खराब रास्ता सारा, ये लोसर तो खराब है। कितने किलोमीटर जाएगा? कोई 100 किलोमीटर होगा। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, वैसे अलाव तो नहीं करता शायद शाम को जाने के लिए ना। हाँ यहाँ पे थोड़ा खराब है बीच में पैच, लोसर के बाद आपको बिल्कुल पक्का मिलेगा टर्मैक, अच्छा रोड है, जाके आओ एक बार देख के आओ, अच्छा लगेगा आपको, क्लियरेंस अच्छी है आपकी, ये निकल जाएगी। तो फाइनल ग्रामपुर रोड पे पहुंच गया और अब मज़ा आएगा। आओ
कुछ। अरे भैया रुकना बनता है क्या बात है क्या बात है। नहीं नहीं यस वाटरफॉल नहीं आ रहा पूरा ऊपर तक। थैंक यू सो मच सर। ले लेते हैं ना क्या दिक्कत है। हाँ ऐसे वाली बनाना। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो और वीडियोग्राफी यहाँ पे हुई है और इन भाई साहब ने ना बहुत अच्छे से फ़ोटो ली और वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच। नाउ चलिए सो फाइनली अब पहुँच चुका हूँ मैं कोकसर और यहाँ पे होगी फाइनल एंट्री। चलो एंट्री करवाते हैं। तो अटल टनल है यहाँ से 6 किलोमीटर। फाइनल लास्ट एंट्री हो चुकी है ट्रिप की। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अटल टनल एंड मनाली। थोड़ा सा मैं टाइम कवर कर लिया है, अभी सनलाइट है तो उतने में अभी थोड़ा टाइम है 6:30। अगर ऐसा मान के चले कि 7 बजे सनसेट होगा, अभी मेरे पास आधा घंटा है। सिसु है यहाँ से 6 किलोमीटर आई थिंक, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सिसु का राउंड मार के आता हूँ। ओके चलो सिसु भी देख लेंगे क्योंकि सिसु नहीं गया हूँ अभी तक, उसके आगे कभी और देखेंगे लेकिन एटलीस्ट सिसु तक तो देख के आते हैं। तो लो जी सिसु पहुँच गया हूँ शायद मैं। जी हाँ सिसु 0 किलोमीटर। तो ये रहा सिसु का लेक। सिसु लेक की शेप कितनी यूनिक है। एक मिनट फोटो तो बनता भाई जब सिसु आए। ओके हाँ यहाँ से कंप्लीट आ रहा है। चलिए फ़ोटो लेता हूँ कुछ और उसके बाद निकलते हैं। वो रहा वाटरफॉल। ओके उस साइड है वाटरफॉल, क्या ही ख़तरनाक लग रहा है। सिसु के हेलीपैड पे मैं पहुंच गया हूँ। और गुड इवनिंग सर। ये लेक का राउंड मार सकते हैं बाइक पे। अच्छा थैंक यू जी। नाइस दिल कर रहा मेरा मैं भी उतर जाऊं। भाई यार फोटो ले देगा एक, लेट तो नहीं है। कहाँ जा रहे हो, घर को? कहाँ है घर यार, एक दो फोटो ले दो। लो भैया यहाँ से लो ना, ये लेक आ जाएगी पीछे से आ रहा है, थोड़ा ऊपर से ले लो। एक छोटू सा लड़का था उसने ना मेरे को फोटो ले दिया। चलिए चलते अब। थैंक यू भाई फोटो के लिए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा लो बिस्किट ले लो। ठीक है चले फिर, बाइक पहले जाता मैं अगर जगह होती, इसे जगह ही नहीं है ना। ठीक है बाय। वेयर आर पुलिस वाले सर? बारिश हुई है। ओ भाई तभी ठंड लग रही है।
सर गुड इवनिंग सर, उस साइड से ना आते हुए पोल्यूशन सा लगा, धुआं ही धुआं था उस साइड से आते हुए। अच्छा अच्छा, मतलब कि वाइजर ओपन था ना तो आंखों में धुआं लग रहा था, इतना है वहां से। मैं सोचा कोई हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम। हमने अपनी ड्यूटी कर दी है, हमने बता दिया है, बाकी जाने भाई इनकी मर्जी। तो चलिए, 7:45 हो चुके हैं और इस साइड ना बारिश हुई है, रोड गीले हैं और बादल ही बादल। तो जैसे मैंने कहा था ना कि एकदम हम पोर्टल से दूसरी जगह को टेलीपोर्ट हो जाएंगे जब, तो पूरे नज़ारे बाद आ जाएंगे। और बारिश की थोड़ी बूंदी लग रही है, लाइट ऑन। तो जी, मनाली में लगा है ख़तरनाक वाला जाम, काफ़ी लंबी लाइन लगी है, सो मच क्राउड यार, कोई 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अंधा टूरिस्ट आ रहा है क्या? हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज भी बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है, काजा से सिसू, सिसू से फिर मनाली, मनाली से रायसन, तो काफी डिस्टेंस कवर किया है। बातल वाला रोड है, बातल ग्राम्फ वाला रोड, बहुत ही खराब है, ऑफ रोड है, तो पूरा नाम आपके पूरा बॉडी खुल जाती है भाई, बाइक भी खुल जाती है, सब कुछ। अभी थक हार कर पहुंचा हूँ रायसन में, यहाँ पे रूम लिया है मैंने, हम लास्ट ईयर भी यहीं रुके थे, 1200 में, मुझे 1100 में डिस्काउंट कराया थोड़ा सा 100 रुपये का। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा रूम मिला है, बहुत ही अच्छा रूम है। देखिए, डबल बेड है, टीवी है। सबसे जरूरी जब कोई ट्रैवल करके आता है ना बाइकर्स, तो उसको नहाने के लिए चाहिए, तो यहाँ गीजर है, बाथरूम है, अच्छा है, सब कुछ है, ऑल गुड। यस, अभी फ्रेश हो चुका हूँ नहा धो के, और अब जाऊँगा डिनर करने, साथ में ढाबा है हाईवे पे, बहुत सारे ढाबे हैं, तो डिनर करके डाटा कॉपी करूँगा और उसके बाद रेस्ट, और कल निकल जाएंगे हम घर के लिए। रास्ते में कहीं भी कोई पॉइंट होगा घूमने वाला तो वहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज कल सीधा रायसन से चायल, देखते हैं वाया जलोड़ी पास जाए, अगर कल डिसाइड करते हैं मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, बाकी आज के इस ब्लॉग को अब करते हैं एंड, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय।